डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। थाना खरखोदा के गांव घोसीपुर से मछली का शिकार करते हुए तेंदुए का वीडियो वायरल हुआ है। जी हाँ, मछली खाता हुआ तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं मछली खाते हुए तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। IFS राजेश कुमार ने जानकारी दी कि सुबह 9 से 10 के बीच में ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि घोसीपुर गांव में तेंदुए की दस्तक देखी गई है। IFS राजेश कुमार का कहना है कि उपविभागीय वन अधिकारी SDO वहां पहुंच चुके हैं और साथ ही SOT के अनुसार जो कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए उसकी प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों के लिए चलाए गए अभियान प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। क्या सत्यता है और किस तरह से पड़ताल की जा रही है और क्या कुछ वहाँ पर खास किया गया है? बिल्कुल, प्रातःकाल 9:30 से 10 के बीच में ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि खानपुर गांव खेड़ा बलरामपुर के पास वहाँ पर तेंदुए की दस्तक जो है देखी गई है। मेरठ रेंज और रिठानी रेंज की दोनों टीमों को वहाँ पर डेप्यूट किया गया है। उपप्रभागीय वन अधिकारी SDO भी वहाँ पर मौजूद हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी SOP के जो अनुसार होना चाहिए वो हमारा जारी है। और सर, कुछ विशेष आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कभी भी जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो लोग कई बार अपना ऐसे भी रिएक्शन कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, वन्य जीव कभी कभार अपने प्राकृतवास से बाहर आ जाते हैं, ये एक सामान्य घटना है, और हम लोगों का अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें ग्रामीणों के द्वारा चलाया भी जाता है साथ में, और हम लोग कोशिश करते हैं कि डूज एंड डोंट्स, क्या क्या चीज़ें इसमें करनी चाहिए ग्रामीणों को, वो उनको बताया भी जाए और वो बताया भी जा रहा है हमारे द्वारा। इसमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता ऐसी चीज़ों में नहीं होती है। जब भी ऐसी कोई खबर मिले तो सबसे पहले वन विभाग के जो लोकल कर्मचारी हैं या जो ऑफिसेज हैं उनको सूचना अवश्य दें, सही सूचना दें, सही समय से दें, ताकि हम लोग इसमें कार्रवाई अच्छे से कर सकें। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।